चुनाव के इस माहौल में पहले पीएम मोदी की बायोपिक पर अरंगा लगा और उसके बाद ममता बनर्जी की बायोपिक पर गाज गिर गई। बता दें कि ममता बनर्जी की बायोपिक फिल्म बागनी पहले 3 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ट्रेलर पर रोक लगने के बाद अब बारी आई है पूरी फिल्म की। खबरों की माने तो चुनाव आयोग ने फिल्म रिलीज पर भी रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने फिल्म के मेकर से कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहने तक फिल्म को रिलीज ना करें। बता दें कि पहले ये फिल्म 3 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस फिल्म को रिव्यू करने की मांग की थी और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बनी बायोपिक बागनी को भी उसी तर्ज पर देखा जाए जिस तर्ज पर पीएम मोदी की बायोपिक को देखा गया था। जैसा कि आप जानते हैं, पीएम मोदी की बायोपिक को रिलीज के ठीक एक दिन पहले बैन कर दिया गया था और चुनाव खत्म होने तक फिल्म पर रोक लगा दी गई थी और अब ममता बनर्जी की बायोपिक पर काले बादल मंडराने लगे। हालांकि बायोपिक बैन होने को लेकर ममता बनर्जी ने ये पहले ही कह दिया था कि इन बातों से उनका कोई लेना देना नहीं है और ट्वीट कर लिखा था, ये सब क्या बकवास फैलाया जा रहा है, मेरी बायोपिक से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि कुछ युवाओं ने कहानियां एकत्र की हैं और खुद व्यक्त किया है तो उनके ऊपर निर्भर है। मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ, कृपया मेरे बारे में झूठ फैलाकर मानहानि के लिए दायर करने के लिए मजबूर ना करें। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर पीएम मोदी और ममता बनर्जी दोनों की ही बायोपिक कब तक रिलीज हो पाती है। मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। इन पॉलिटिक्स देयर इज ए लक्ष्मण रेखा, यू डोंट एक्सेप्ट द लक्ष्मण रेखा। आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सब आपको क्यों छोड़ेंगे, सब आपको क्यों छोड़ेंगे। जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है, सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, विनाश काले बुद्धि नाश। ऐसा है कि हमारी फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, पूरी टीम ने पूरी श्रद्धा से बनाई है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक विघ्न आते जा रहे हैं, तो हम विघ्नहर्ता के पास आए हैं। बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है सिद्धि विनायक जी में, और मेरा मन कहता है कि उनका आशीर्वाद होगा और हमारी फिल्म ज़रूर जल्द रिलीज होगी। नमस्कार। विपक्ष काफी घेराव कर रही फिल्म को लेकर, सच के ऊपर क्या कहना आपका?
क्योंकि उनका कहना है कि जो बायोपिक फिल्म बनी है वो हम जान बीच कर वोटों को लुभाने के लिए की जा रही है सर। थैंक यू सो मच सर। अनिकेत साइड हो अनिकेत। अरे भाई पीछे आ जाओ यार। विवेक जी मुझे पर देखा अरे विवेक सबने
ऐसा है कि हमारी फिल्म हमने बहुत मेहनत करके बनाई है, पूरी टीम ने पूरी श्रद्धा से बनाई है, और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि एक के बाद एक के बाद एक विघ्न आते जा रहे हैं। तो हम विघ्नहर्ता के पास आए हैं, बहुत आस्था है, बहुत विश्वास है सिद्धिविनायक जी में, और मेरा मन कहता है कि उनका आशीर्वाद होगा और हमारी फिल्म ज़रूर जल्द रिलीज़ होगी। नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि बस आगे हमको फिल्म रिलीज करने का टाइम पर मिलेगा। और ए शैडो आ रहा है ना, विपक्ष काफी घेराव कर रही फिल्म को लेकर, सर उसके पर क्या कहना आपका? जवाब हम पहले दे चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो बायोपिक फिल्म बनी है वो हम जान बीच कर वोटरों को लुभाने के लिए की जा रही है। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।